Facebook ad setting the budget and schedule. So now students अभी तक हमने तीन step करके देख लिए हैं। एक हमने campaign का नाम से objective set कर लिया by selecting the category that was the first step. Second step was कि हमने audience configure कर लिया, यानी location audience की कौन सी होगी, age group most importantly किस age group को आप का ad target करने जा रहे हैं। uh, That was the second thing. द द थर्ड थिंग वॉज के आपकी जो ऑडियंस है उसका जेंडर क्या होगा मेल होगा फीमेल होगा या बोथ होगा उसके बाद हमने ये बताया मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो एड की प्लेसमेंट है वो क्या आप फेसबुक के जो इंटेलिजेंस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर बिल्टिन है उसके एल्गोरिदम में क्या आप उस पर रिलाई करने जा रहे हैं या यू वॉन्ट टू यू वॉन्ट टू कन्फिगर योर सेल्फ क्या आप मोबाइल से जो लॉग इन हो रहे हैं सिर्फ उन लोगों को फॉर एग्जाम्पल एड दिखाएं या एंड्रॉइड से हो रहे हैं उनको दिखाएँ वेबसाइट से लोग हो रहे हैं लॉग इन उनको दिखाएं एंड सो ऑन दैट दीज वर थ्री मेजर थिंग्स अब आ जाती है लास्ट थिंग ऑफ एड सेट सेक्शन सेटिंग द एड यानी एड की जो सेटिंग है उसका जो आखिरी स्टेप है बजट एंड स्केड्यूल वो अब हम लोग करके देखते हैं हाउ वी कैन मैनिपुलेट द बजट यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आई लाइक टू मैंशन कि मैं यहाँ पे क्योंकि लॉग इन हुआ हुआ तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली यहाँ ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है जब आप लोग लॉग इन होंगे तो जस्ट मेक श्योर यू हैव अ वैलिड क्रेडिट कार्ड यानी वीजा हो जाए मास्टर हो जाए कोई भी आ, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अनेबल्ड आपके पास कार्ड होना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फेसबुक एड विल यू नो चार्ज अमाउंट फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ठीक है तो अब हम लोग इसका बजट सेट करके देखते हैं सो स्टूडेंट्स कमिंग बैक टू दिस स्क्रीन हमने अब यहां पे अब आप देखें ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं ट्रैफिक सेट कर लिया है ऑडियंस कर ली है प्लेसमेंट कर ली है नाउ कम्स अ ऑबियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ मच यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपेन जो हमने क्रिएट की है यानी बजट अब बजट से लेट मी प्ले अराउंड अब डेली बजट आपसे पूछ रहे वो लाइफ टाइम बजट भी आप बता सकते हैं लेकिन डोंट गो फॉर इट इफ यू आर स्टार्टर, यानी जस्ट ट्राई टू प्ले अराउंड विद डेली बजट अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि डेली बेसिस पे मैं लेट सपोज फाइव डॉलर खर्च करना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल डेली के मैं लेट सपोज अब सौ रुपए खर्च करना चाहता हूं कीपिंग इन व्यू के सौ रुपए का एक डॉलर है तो जिस चीज को आपको दिमाग में रखना है या देखनी है वो ये स्टैट्स हैं लुक हाँ विल बी मैनिपुलेटेड मैंने यहाँ भी फाइव किया था लेट्स मैं यहाँ करता हूँ टेन तो अब यहाँ देखें अब वो कह रहे हैं कि अगर आप डेली के दस डॉलर मीन तकरीबन हजार रुपए आप खर्च करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कंपेन पे तो डेली डेली रीच आपकी दस हजार से पचपन हजार लोगों तक होगी आसान लफ्जों में किसी ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि हाउ डज फेसबुक अर्न क्योंकि मैं अगर लॉग इन हूँ फेसबुक पे तो मैं कुछ पैसे पे नहीं कर रहा फेसबुक तो कैसे अर्न करता है तो जो फेसबुक का सीईओ है मार्क जकरबर्ग ही गेव अ वेरी सिंपल बट वेरी डीप आंसर ही जस्ट सेट वी रन एड ये वो एड है जस्ट इमेजिन के ये दस हजार से पचपन हजार की फिगर कहाँ से आ रही है ये एक्चुअली मैं और आप है मैं और आप जो लॉग इन होते हैं फेसबुक पे ये वो क्लिक्स हैं ये वो डेटा है फेसबुक का कि उसके पास कितने यूजर्स हैं जस्ट ट्राई टू इमेजिन के हाउ दे आर सेलिंग योर डेटा क्योंकि फेसबुक का कोर डाटा ही आ, मैं और आप है तो हम कुछ पे नहीं कर रहे तो एक्चुअली हम उनकी इनकम का जरिए है अब आप देखें मैं यहाँ पे लेट सपोज दस के बजाय फिफ्टीन करता हूँ नाउ यू विल सी कि डेली पंद्रह हजार से नाइन्टी वन थाउजेंड लोगों को वो रीच आउट कर सकते हैं और दो सौ साठ से सोलह सौ तकरीबन क्लिक्स है यानी एड पे जो यू आर एल दिया होगा ना उस पर वी कैन रीच आउट तो अभी कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये एड की कंपेन अभी ख़त्म नहीं हुई है अभी हमने दो सेक्शन बनाए हैं एक ऑब्जेक्टिव यानी कंपेन एक एड सेट अभी ये चीज रहती है एंड में यानी अभी हमने इसको ये नहीं बताया कि अगर लेट सपोज मुझे एज अ यूजर ये एड नजर आएगा तो मैं क्लिक करूंगा तो मैं किधर जाऊंगा ये मैंने नहीं बताया अभी तो ये वो नंबर ऑफ क्लिक्स हैं कि जो एड पे यू होगा वेबसाइट का ये उसके पोटेंशियल क्लिक्स हैं उसके बाद ये था बजट तो आई मीन यू कैन सेट योर ओन बजट डिपेंडिंग अपॉन योर जो भी आपने अमाउंट uh, रखी हुई है उसके बाद आप स्केड्यूल सेट कर सकते हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है डिफॉल्ट में ये हमें ये कहता है कि रन माई एड अ कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टूडे अगर मैं इस सेटिंग में क्लिक करूंगा तो एज ऑफ टूडे मेरा एड चलना शुरू हो जाएगा तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि आई मीन हाउ मच आई विल बी स्पेंडिंग मेरा कंट्रोल की जरा तो आप 105 डॉलर वीकली स्पेंड कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर कंपेन के ऊपर अगर आप इसको आज स्टार्ट करते हैं एक ये डिफॉल्ट है दूसरा ये है कि मैं अपना स्केड्यूल सेट कर सकता ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं ये कहता हूँ जी कि ये कंपेन यानी आसान लफ्जों में आपको बताता हूँ कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दिया और मैंने रन माई एड कंटिन्यूसली पे क्लिक कर दिया तो एक वीक में एक डॉलर है क्योंकि मैंने एंड डेट नहीं बताई है मेरा क्रेडिट कार्ड इनके पास है तो एक वीक के बाद रिन्यू हो जाएगा इट विल कीप ऑन रनिंग विच इज़ यू नो अब रिस्की कि आपका बजट अब आप कंट्रोल में नहीं है स्टेप नंबर टू वुड भी वो ये है कि आप इसको कंपेन का स्टार्ट और एंड एंड डेट और टाइम भी बता सकते हैं क्या आप कहेंगे ये कंपेन स्टार्ट होगी लेट सपोज 20 से स्टार्ट करें और इसको मै जटी अप्रैल करता हूं तो वो कह रहे कि आपकी जो कैंपेन है वो दस दिनों तक चलेगी और एक सौ पचास डॉलर टोटल अमाउंट होगी तो दिस इज हाउ यू कैन सेट योर स्केड्यूल कि आपकी अपनी मर्जी अमूमा ही होता है कंपनीज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑब्वियसली वीकेंड पे ज़्यादा कंपेन लॉन्च कर देती हैं या वीकेंड पे कुछ ऐसी चीज़ लॉन्च कर देते हैं जिस पर यह ज्यादा चांस होता है कि ज़्यादा लोग ऑनलाइन मौजूद होंगे एडवांस सेटिंग पे जाएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि जब लिंक पे क्लिक हो क्या उस वक्त पैसे रिटर्न करने हैं जब पेज पे कोई क्लिक करे उस वक्त आपने पैसे खर्च करने हैं एंड सो ऑन फॉर टाइम इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम आप सिंपल जो आपकी ये वाली चीज़ है कि आप अपनी कंपेन को खुद से स्टार्ट डेट एंड डेट दें बजट आपके कंट्रोल में हो और ये चीज जो ये क्लिक्स आ रहे हैं और जो एस्टिमेटेड क्लिक्स हैं और एस्टिमेटेड रीच है वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए ठीक है और एडवांस को फॉर द टाइमिंग आपने स्किप आउट करना है तो ये चीज करने के बाद आपने बजट भी बता दिया आपने कंपेन बता दी और आपने ये एड एड सेटिंग जो है ये आपने पूरा का पूरा पैनल आपने कॉन्फिगर कर लिया सो इफ आई क्लिक कंटिन्यू हेयर तो इट विल टेक मी टू नेक्स्ट डैशबोर्ड which we will discuss shortly.